समय देखने के लिए आप जरूर किसी घड़ी का इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन आज की डिजिटल घड़ी में एएम और पीएम कई लोगों में असमंजस की स्थिति पैदा कर देता है। लोगों के मन में ये सवाल बन जाता है कि एएम क्या होता है और पीएम क्या होता है। हालांकि इनका मतलब पता नहीं होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सामान्य ज्ञान को बढ़ाने के लिए आपको इनका मतलब जानना चाहिए, जिससे अगर कोई आपसे इनका मतलब पूछे तो आप बिना झिझके इसका जवाब दे सकते हैं। आपको बता दें, घड़ी मानव जाति के आरंभिक आविष्कारों में से एक है, यानी घड़ी के आविष्कार को बहुत पहले ही कर लिया गया था। हालांकि इससे पहले समय जानने के लिए दिन सूर्य की स्थिति को देखा जाता था, वही रात के समय को जानने के लिए चंद्रमा और तारों की स्थिति को देखा जाता था। प्राचीन काल में समय जानने के लिए सूर्य को आधार मानते हुए सूर्य घड़ी बनाया गया था। माना जाता है कि सबसे पहले मिस्र के लोगों ने 12 के आधार का प्रयोग करते हुए दिन को 24 बराबर हिस्सों में बांटा था। इसके बाद धीरे धीरे समय जानने के लिए कई उपकरण बनाए गए। हालांकि अब हमारे पास डिजिटल घड़ी है, जिनसे हम कभी समय का पता लगा सकते हैं। सबसे पहले इसके फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। एएम शब्द की फुल फॉर्म है एंटी मेरिडियम होती है। इससे पहले ये शब्द आपने कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि ये कोई इंग्लिश का शब्द नहीं है, ये लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका इंग्लिश अर्थ है बिफोर नून, दोपहर से पहले होता है। इसका मतलब इसे हिंदी भाषा में सुबह का समय कहते हैं। आपको हमेशा अपनी घड़ी में यानी रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे यानी दोपहर तक एएम दिखाई देगा। अब बात करते हैं पीएम के बारे में। अब पीएम शब्द की फुल फॉर्म की बात करें तो पीएम शब्द की फुल फॉर्म पोस्ट मेरिडियम होती है। इस शब्द को भी आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि ये शब्द भी लैटिन भाषा से लिया गया है। इसका इंग्लिश अर्थ आफ्टर नून, जिसे हिंदी भाषा में दोपहर के बाद का समय कहते हैं। इसे हिंदी में शाम का समय कहते हैं। आप अपनी घड़ी में पीएम को दोपहर के 12 बजे से रात को 12 बजे तक देख सकते हैं। अब आप जान गए होंगे कि एएम और पीएम का मतलब क्या होता है। हम सभी जानते हैं कि समय में दिन और रात का समय होता है, इसलिए 24 घंटे को दो भागों में बांटा गया है। एएम, जिसका अर्थ है दोपहर से पहले, और पीएम, जिसका अर्थ है दोपहर के बाद। इस वीडियो में आपको एएम और पीएम के बीच जो अंतराल था वो आपको समझाया गया है। आपको सारी असमंजस दूर होने के साथ इनका दोनों मतलब भी पता चल गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड दबा दीजिए बेल आइकन को, ताकि आपके पास हमारी वीडियो पहुंच सके सबसे पहले। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।